दीपावली के पर्व पर पटाखे का बाजार भी गर्म है। प्रशासन से लाइसेंस होने के बाद अब नवग्रह मेला मैदान पर 69 दुकानें सज गई है। भीड़ भाड़ से दूर लगी दुकानों पर फिलहाल व्यापार कमजोर है, लेकिन मंगलवार से अच्छे व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है। पटाखा व्यवसाय तुलसीराम गंगवानी ने बताया कि स्टार बम, बुलेट बम जहां युवा वर्ग की पसंद बनी है, वहीं छोटे बच्चे फुलझड़ी, लसन बम और रोशनी वाले पटाखों पर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। पहले ही दिन पटाखों का व्यवसाय कमजोर रहा, लेकिन धनतेरस पर बाजार में रौनक की उम्मीद है। हालांकि इस बार महंगाई का असर पटाखा बाजार पर 15-20% की बढ़ोतरी से दिखाई दे रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी दिवाली का थोड़ा कम लग रहा है, बाकी उठाव आने की उम्मीद लग रही है। किस तरह के पटाखे इस बार, कुछ बदलाव आया है कि इसी नया कोई पटाखा क्या है? लसन बम में कैप्सूल जैसे आए हैं नए पटाखों में। बाजार में रौनक नहीं भी दिख रही है, क्या है ग्राहक की रौनक? अब क्या 3 दिन का धंधा रह गया है, सोमवार से उठेगा धंधा, उम्मीद है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। क्या रहेगा, उठाव आएगा धीरे से, 10-15% भाव भी बढ़ गए, इसलिए ग्राहकी भी कमजोर है। आएगा सोमवार से, मंगलवार धनतेरस है। क्या नाम? हितेश गंगवानी, तुलसीराम पटाखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।